हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग प्रॉब्लम के बारे में, जो कि बेस्ड है डायनामिक प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए थ्योरी पार्ट हमने पिछली वीडियोज़ में कवर कर दिया। अगर आपने वो चेकआउट नहीं करा है तो उनको ज़रूर देख लेना, ताकि आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो बेस है वो क्लियर हो जाए, ताकि आप इन प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकें। जो कंसेप्ट मैं आपको उन वीडियोस से लेकर इस वीडियो में समझाऊंगा वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। मतलब मैं टेबुलेशन कर रहा हूँ, मैं मेमोरेशन कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ वो आपको क्लियरली समझ में आने लगे, तो उन वीडियो को चेकआउट करने से आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम में हम करने क्या वाले हैं और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, प्लस इसकी एल्गोरिदम क्या होगी। इन तीन टॉपिक पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप पहले खुद ट्राई करना प्रोग्राम करने का। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। अगर आपसे वो नहीं बनता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर उसको मेरे को पिंग कर दीजिए कि मेरे पर वो प्रोग्राम नहीं हुआ, मैं उसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि खुद प्रैक्टिस कर कर आप ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो बेसिकली लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग से बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं पैलिंड्रोम की। पैलिंड्रोमिक से पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग क्या होती है उनके बारे में, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है नहीं पता हो। तो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जिसको आप स्टार्टिंग से रीड करें या आप लास्ट से रीड करें। ठीक है, या स्टार्टिंग से रीड करें या लास्ट से रीड करें, वो दोनों सेम आंसर दे। एग्जाम्पल के लिए ए बी ए बी ए। अब इसको आप रीड करेंगे अगर शुरू से तो क्या स्ट्रिंग है, ए बी ए बी ए। अगर आप लास्ट से रीड करेंगे तो ए बी ए बी ए, मतलब ये एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। अगर आप ले लेंगे ए बी सी तो ए बी सी, और जब आप इसको उल्टा इसके रिवर्स से स्ट्रिंग को रीड करना शुरू करेंगे तो सी बी ए, यानी कि ये दोनों स्ट्रिंग ए बी सी और सी बी ए इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो हमने बात कर ली पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग क्या होती है। अब हम बात करते हैं सब स्ट्रिंग की। तो सब स्ट्रिंग तो बहुत सिंपल है कि किसी भी स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट या वो पूरी होल स्ट्रिंग एक सब स्ट्रिंग कहलाती है। ठीक है, अब हमें इस प्रॉब्लम में करना क्या होता है, हमें एक स्ट्रिंग गिवेन होती है। ठीक है, हमें एक स्ट्रिंग दी हुई होती है, उसमें से हमें जो सबसे बड़ी पैलिंड्रोमिक मतलब सबसे ज़्यादा लेंथ की जो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बन सकती है वो हमें प्रिंट करानी होती है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा सी बी डी और ए बी ए बी ए और ई एफ। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग कौन सी है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर मुझे यहाँ से लेकर अगर मैं इस सब स्ट्रिंग की बात करूँ तो मेरी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बन रही है। एक और स्ट्रिंग भी बन रही है बी ए और बी, ये भी एक पैलिंड्रोम है, लेकिन इसकी लेंथ इसके कंपेयर में कम है। तो मुझे सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग देनी है, दैट मीन्स मैं ए बी ए ये वाली स्ट्रिंग को अपना एग्जीक्यूशन मतलब आउटपुट में दे दूंगा। तो प्रॉब्लम आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी जैसा मुझे लगता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम आपको क्लियरली समझ में आ गई कि हमें ऐसे ऐसे करना है। अब हमें इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग से अप्रोच करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में एल्गोरिदम बताया था। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व हो सकती है, कि मतलब क्या ये जो मेरा प्रॉब्लम है उसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग के जो दो फैक्टर होते हैं वो अप्लाई हो पा रहे हैं, यानी कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, ये दोनों अप्लाई हो पा रहे हैं। तो अगर हम देखें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, देखिए अगर आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है तो आप इसको सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप पहले एक सब स्ट्रिंग उठाएंगे, कोई भी एक सब स्ट्रिंग उठाएंगे, रिकर्सिवली सब स्ट्रिंग्स उठाते जाएंगे, उन सब स्ट्रिंग्स को आप चेक करेंगे कि क्या ये पैलिंड्रोमिक है। अगर ये पैलिंड्रोमिक है और उसकी लेंथ प्रीवियस वाली लेंथ से ज़्यादा है, दैट मीन्स वी विल अपडेट आवर लेंथ अकॉर्डिंगली एंड प्रिंट द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग अमंग ऑल। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। तो इसको हम रिकर्सिवली प्रॉब्लम को कॉल कराकर
कर सकते हैं सॉल्यूशन इसका। तो रिकर्जन की बात आ गई, दैट मीन्स इसमें ऑप्टिमल सॉरी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अभी होंगी ये नहीं है। ये सब प्रॉब्लम में हम एक बड़ी प्रॉब्लम को, एक लार्ज प्रॉब्लम को हम सब प्रॉब्लम्स में छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में तोड़ सकते हैं। मतलब अलग अलग लेंथ की स्ट्रिंग्स को उठाकर हम चेक कर सकते हैं कि वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं है, ठीक है। तो हमने सब प्रॉब्लम में तोड़ दी। अब इसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम देखने के लिए हमें कैसे पता लगाना पड़ेगा कि क्या ये ओवरलैप कर रही हैं प्रॉब्लम्स, नहीं। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, सेम सी बी ए वी ए बी ए और ई एफ। अब इसमें मैं अगर हर एक इंडिविजुअल सब स्ट्रिंग को रिकर्सिवली चेक करूँगा, मतलब मैंने इसको चेक करा, फिर मैं इसको चेक करूँगा, फिर मैं इसको चेक करूँगा, फिर मैं इसको चेक करूँगा, फिर मैं इधर से स्टार्ट कर कर इसको चेक करूंगा, यानी कि ये सब स्ट्रिंग जो है वो मेरी इस वाली में भी आ गई और मेरी इस वाली में आ गई। मतलब ये जो सब स्ट्रिंग है वो मेरी काफ़ी ज़्यादा सब प्रॉब्लम्स में मेरे को मिल रही है, दैट मीन्स ये ओवरलैप कर रही है। तो समझ में आया आपको कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आपको मिल गई। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, उसको चेकआउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर मैं इसको पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग प्रूफ कर देता हूँ और इसको भी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग प्रूफ कर देता हूँ, तो मैं इन दोनों को मर्ज करने से चेक करूँगा, क्या मैं इन दोनों को मर्ज करने से भी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग प्रूफ कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ, यानी कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन और इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलाने के बाद मैं एक अपना ओवरऑल ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ प्रॉब्लम का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो मेरी प्रॉब्लम मेरे को गिवन है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग की, वो ऑप्टिमल ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को भी फॉलो करती है और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर को। तो मेरा पहला स्टेप जो है वो मेरा मार्क हो गया, यानी कि ये एक डीपी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है, दूसरे स्टेप में हमें करना होता है स्टेट जनरेशन, ठीक है। स्टेट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि जो जो पैरामीटर हम यूज़ कर सकते हैं। तो पैरामीटर यहाँ पर क्या हो सकते हैं, देखिए अगर आप गौर से देखेंगे कि एक स्ट्रिंग गिवन है आपको ए वी ए, तो इसमें आप क्या ले सकते हैं, आप एक जो इंडिविजुअल करेक्टर्स हैं उनको अपना पैरामीटर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल करेक्टर को पैरामीटर ले लेंगे, यानी कि अगर ये इंडिविजुअल करेक्टर पैलिंड्रोम है, फिर ये पैलिंड्रोम है, फिर इन दोनों को मर्ज करने से पैलिंड्रोम बन रहा है, फिर इन दोनों को मर्ज करने से, फिर इन तीनों को मर्ज करने से पैलिंड्रोम, मतलब इस तरीके से आप इन इंडिविजुअल करेक्टर्स को स्टेट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया, आपने आइडेंटिफाई कर ली, दूसरा स्टेप क्लियर हो गया, आपका स्टेट हो गया। अब तीसरे स्टेप में आप फॉर्मूला जनरेशन में फॉर्मूले के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप मान लीजिए एक स्ट्रिंग आपको गिवन है ए बी और सी, ठीक है। तो अगर इधर एक ए और ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका बी एक पैलिंड्रोम है, क्योंकि इंडिविजुअल करेक्टर तो पैलिंड्रोम होता है, बी एक पैलिंड्रोम है, आप चेक कर रहे हैं ए बी सी के लिए। अगर आपका ये वाला ए और ये वाला करेक्टर मैच कर गया, अभी तो मैच नहीं कर रहा है, मान लीजिए अगर मैच कर गया और उसके अंदर वाली सब स्ट्रिंग खुद में एक पैलिंड्रोम है, दैट मीन्स ये आपकी बड़ी स्ट्रिंग भी एक पैलिंड्रोम होगी। यानी कि अगर आप एग्जाम्पल लें ए बी ए सी, तो बी एक इंडिविजुअली पैलिंड्रोम है और ए दोनों मैच कर गए और उसके अंदर एक पैलिंड्रोम है, दैट मीन्स ये ए भी एक पैलिंड्रोम होगा। फिर आप दोबारा अगर चेक करेंगे क्या है जो मेरा बाहर का करेक्टर है, इधर बाहर कोई करेक्टर ही नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे इस सी को, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला जनरेशन हो गया कि फर्स्ट करेक्टर और लास्ट करेक्टर प्लस बीच वाला जो आपके बीच वाली स्ट्रिंग जो है वो अगर इंडिविजुअली पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, दैट मीन्स वो बड़ी वाली स्ट्रिंग भी पैलिंड्रोमिक होगी। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप होगा हमारा टेबुलेशन, क्योंकि हमें यहाँ पर हर एक जो भी सब प्रॉब्लम्स है उनको कंसीडर करना है, इसलिए हम टेबुलेशन का यूज़ करेंगे। तो आपके चारों स्टेप क्लियर हो गए, अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपना फिल करनी है, ठीक है। तो उस फिल करने की तरीका भी हम देखेंगे कैसे हम करेंगे। तो एक एग्जांपल के लिए कि स्ट्रिंग ले लेते हैं, सबसे छोटी स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे ए बी ए। अब आप इसके लिए एक मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। देखो आपको पता है कि डीपी के लिए आपको टेबल बनानी ही
पड़ती है। ठीक है, तो आपने एक टेबल जनरेट कर ली ए वी ए, जितनी स्ट्रिंग यहाँ पर है सेम स्ट्रिंग आप यहाँ पर लिख देंगे। इनिशियली आपने उस टेबल में फॉल्स भर देना है। ठीक है, आप स्टार्टिंग में मान के चल रहे हैं कि सब स्ट्रिंग जो है वो मेरी जितनी भी स्ट्रिंग है वो कोई भी इसमें पैलिंड्रोम नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस केस। ठीक है, बेस केस समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद बेस केस बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो अपनी लेंथ है उसको, जो इस समय हम मान के चलते हैं हमारी लेंथ है 1। ठीक है, क्योंकि हम इंडिविजुअल करेक्टर तो हमारा पैलिंड्रोम हो ही जाएगा, तो हम लेंथ मानते हैं अपनी जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 1। और स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, एस से मैं डिनोट कर रहा हूँ, याद रखना है इसको लास्ट तक। तो एस जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स है, तो हम मान के चलते हैं 0। 0th एलिमेंट जो है वो हमारा पैलिंड्रोम स्टार्ट हो रहा है और एक लेंथ का करेक्टर है, यानी कि 0 से लेकर 1। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक लूप चलाना है जिसमें आप जितने भी इंडिविजुअल करेक्टर हैं उनकी मैट्रिक्स को ट्रू कर देंगे, उनकी वैल्यू को ट्रू कर देंगे। क्यों कर देंगे, देखिए ए और ए मैच कर गया ट्रू, यानी कि मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, यानी कि ये एक पैलिंड्रोमिंग स्ट्रिंग है विद लेंथ 1। अब इसी तरह से बी इंडिविजुअली एक पैलिंड्रोमिंग स्ट्रिंग है विद लेंथ 1। ठीक है, ऐसा ही जो ए है लास्ट वाला वो भी एक पैलिंड्रोमिंग स्ट्रिंग है विद लेंथ 1। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने 1 लेंथ के जितने भी करेक्टर हैं उनको पैलिंड्रोमिंग मान लिया, और हम इसमें सबसे पहले, देखो आप कोई भी वैलिड सॉल्यूशन आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट एक जनरलाइज फॉर्म कर लेते हैं हम, तो हम सबसे पहला, इसलिए हमने स्टार्टिंग इंडेक्स को हमने 0 कर दिया, वरना हम लास्ट की भी कर सकते थे। ठीक है, तो जनरलाइज फॉर्म में हम सबसे पहली जो हमें सब स्ट्रिंग मिल जाएगी उसको ही हम लिख देंगे। तो हमने स्टार्टिंग इंडेक्स को 0 से इनिशियलाइज कर दिया और लेंथ हमारी 1 है, यानी कि अगर हमें कहीं और भी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो हम सिंपली अपनी 1 को रिटर्न कर देंगे, मतलब 1 इज़ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग जो कि एक पैलिंड्रोम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 लेंथ की स्ट्रिंग्स के लिए। 2 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ से इनिशियलाइज, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे जो हमारा बी है वो अपने पिछले वाले करेक्टर से क्या सेम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए और बी सेम है, ए और बी का सेम है जो जो कि नहीं है, तो हम यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बी और बी पे चेक करेंगे, तो बी और ए क्या सेम है, जी नहीं, तो हम इसमें फॉल्स लिख देंगे। अब लास्ट करेक्टर के बाद तो कोई बचा ही नहीं ना दूसरी लेंथ के लिए, अब लास्ट करेक्टर के बाद तो कोई बचा ही नहीं ना दूसरी लेंथ के लिए, तो हम यहाँ पर चेक नहीं करेंगे, मतलब n-1 टाइम्स आपको ये प्रोसेस परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें कोई पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग नहीं मिली। अब हम बात करेंगे, देखो पहली आप बेस केस में जो लेते हैं वो लेंथ 1 के लिए यानी कि इंडिविजुअल करेक्टर के लिए, और लेंथ 2 के लिए यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके साइड वाले एलिमेंट्स के लिए, यानी कि 1AB और बी ए, और ए के बाद तो कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे, यानी कि 2 बार इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब हमें बात करनी है 3 लेंथ से लेकर जितनी भी लेंथ है, क्योंकि फिर अब हम जनरलाइज फॉर्म में, हमने 2 बेस केस लिख दिया, अब हम जनरलाइज फॉर्म में आ गए हैं, और हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे जो कि लेंथ को डोनेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, सॉरी लेंथ को डिनोट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, आई को 3 से इनिशलाइज कर कर आई को हम एन तक, जो भी लेंथ यहाँ पर होगी उस तक ले जाकर आई प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, अब हमने 3 लेंथ के लिए चेक करेंगे, 3 लेंथ के लिए हम चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स को हम इधर फिक्स करेंगे और लास्ट इंडेक्स को जो भी लेंथ होगी उस पे फिक्स करेंगे। यहाँ पर 3 लेंथ है तो 3 करेक्टर आगे हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो इधर हम स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए एक लूप चलाएंगे, जे लूप, जो कि हमारा 0 से लेकर n-i तक। ठीक है, अब ये n-i तक चला क्यों, n-i तक इसलिए चला क्योंकि हम स्टार्टिंग इंडेक्स को हम यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, फिर अगर इतनी ही लेंथ हम आगे जा सकते हैं तो हम इधर फिक्स करेंगे।
यानी कि अगर एक करेक्टर और होता तो मतलब हमें थ्री लेंथ की एक और स्ट्रिंग हमें हमारे पास है, तो हम स्टार्टिंग इंडेक्स को इधर फिक्स कर सकते थे। अगर हमारे पास थ्री लेंथ की और स्ट्रिंग नहीं बची, अगर आप इधर बी पे फिक्स कर देंगे स्टार्टिंग लेंथ को, तो आगे भी तो आप पे दो करेक्टर होने चाहिए ना थ्री लेंथ को बनाने के लिए, तो आप पे नहीं है तो आप यहीं पर रुक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम एक अपनी लास्ट जो है इंडेक्स के उसको फिक्स करेंगे। तो लास्ट इंडेक्स क्या होगी, जिस पर जे है यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस जो लेंथ है, ठीक है, जे प्लस जो लेंथ है जो कि आई है, और -1 क्योंकि हम जीरो बेस इंडेक्सिंग को रिफर कर रहे हैं। तो बस अब हम अपना फॉर्मूले पर जाएंगे। देखिए ये फायदा होता है आपके स्टेप बाय स्टेप जानने का, आप फॉर्मूले पर जाएंगे और फॉर्मूले पर जाकर क्या देखेंगे, हम देखेंगे हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स और हमारी लास्ट इंडेक्स क्या सेम है। जी हाँ सेम है, और हमारी बीच की सब स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, तो हम उसकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की मदद से हम अपने टेबल पर रेफर करेंगे और बी की टेबल की जो वैल्यू होगी उसको देखेंगे जो कि हमें ट्रू मिलेगी, तो हम इसको भी अपना मान लेंगे कि ये हमारी जो है पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है और उसको हम ट्रू लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर आप देखेंगे क्या आपकी जो डीपी, सॉरी आप जो देखेंगे वो स्ट्रिंग पर जो स्ट्रिंग है आपकी उसकी जेथ वैल्यू क्या वो बराबर है आपकी स्ट्रिंग की केथ वैल्यू की। अगर ये बराबर है तो आप एक और कंडीशन चेक करेंगे, क्या डीपी ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली जो आप टेबल है उसको रेफर करेंगे ऑफ जे +1 के -1, अगर ये वैल्यू ट्रू है दैट मीन्स डीपी ऑफ जे और के इज इक्वल टू ट्रू। और साथ ही आप चेक करेंगे क्या आपकी जो लेंथ है वो छोटी है, जो आप करंट लेंथ के बात कर रहे हैं, अगर वो छोटी है उससे तो आप लेंथ को अपडेट कर देंगे आई से, और स्टार्टिंग इंडेक्स को आप जे से अपडेट कर देंगे क्योंकि जे पे ही तो वर्क कर रहे हैं। बस आपको यही प्रोसेस करते जाना है और आपकी टेबल पूरी जनरेट होकर आपको आंसर दे देगी। तो यहाँ पर आपके लेंथ क्या हुई, लेंथ हुई 3, और आप लास्ट में प्रिंट करा देंगे स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर जितनी भी लेंथ है वहाँ तक प्रिंट करा देंगे। तो स्टार्टिंग इंडेक्स थी आपकी, स्टार्टिंग इंडेक्स थी 0 यानी कि ये ए, और उस लेंथ तक यानी कि आपकी प्रिंट हो जाएगी ए बी ए। ठीक है, समझ में आ गई आपको हमने कितना इजीली आपने सबसे पहले देखा क्या ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व हो सकती है, उसके बाद हमने देखा क्या हम इसमें कौन कौन से पैरामीटर को स्टेट की तरह यूज़ करेंगे, फिर हमने फॉर्मूला जनरेट करा एंड देन वी फिल दैट टेबल बाय यूजिंग टेबुलेशन मेथड। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने से कितना इजी हो गई अप्रोच आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्रैक्टिस लिंक होगा उस पर जाकर अपनी प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आकर मैसेज डाल दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले कोशिश ज़रूर करना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट मुझे बताइए। अगर आप और भी कोई प्रॉब्लम चाहते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, मैं उस पर पूरी सीरीज में आपको अलग अलग प्रॉब्लम के ऊपर यूज़ करके डायनेमिक प्रोग्रामिंग को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।